हम सबको तय करना होगा भ्रष्टाचार युक्त व्यवस्था हो या भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था। हमें तय करना होगा कि युवाओं के हाथ में तमंचे हो या फिर युवाओं के हाथ में टैबलेट और स्मार्टफोन। भाइयों बहनों, हमें तय करना है कि गलियों में अपराधियों की गोलियों की दड़दड़ाहट होनी चाहिए या फिर शहरों में और गलियों में भजन गंगा का प्रवाह सुना करके लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य होना है। हमें रंगदारी वसूली करने वाले गुंडे चाहिए या फिर गरीबों को और स्ट्रीट वेंडर को स्वनिधि देने वाली प्रशासनिक व्यवस्था चाहिए। हमें सौदों का आतंक चाहिए या सेफ सिटी चाहिए। हमें सनान मारती हुई गलियां चाहिए या फिर स्मार्ट सिटी के रूप में हमारी बदलती हुई सारी तस्वीर हम सबके सामने आनी चाहिए। और इस दिश से आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, हमें स्मार्ट सिटी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, सेफ सिटी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, स्ट्रीट वेंडर के लिए स्वनिधि जैसी योजनाएं हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, भजन गंगा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और हमारे युवा भी स्मार्ट बने, उनके हाथों में टैबलेट होना चाहिए या एक हम सबकी प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरोती, अब यूपी नहीं है किसी की बपोती। माफिया अपराधी हो गया तीस, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। और इसलिए भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। अब उपद्रव नहीं, उत्सव हमारी पहचान है। अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है और उस पहचान को और मजबूती के साथ जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए आज भाइयों बहनों, आप सहारनपुर से मैं आया हूं, प्रचार की शुरुआत ही सहारनपुर से कर रहा हूं। मां शाकंभरी का आशीर्वाद मिले, माता बाला सुंदरी की कृपा हम पर बरसती रहे, चाहूं और खुशहाली रहे, हर व्यक्ति सुरक्षित रहे। और इस दिश से आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं, हमने योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर नागरिक को दिया है।